नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। मैं रितेश शर्मा। तो जैसा कि हमने आप सभी को पिछले एक दो दिन पहले पोषण ट्रैकर ऐप में 4 मॉड्यूल हटा दिए गए थे, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। जैसे कि इवेंट वाले ऑप्शन में आप लोग जाएंगे, आप लोगों को जो 4 ऑप्शन है, योग दिवस, VHSND, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट और ट्रेनिंग मॉड्यूल, तो ये जो 4 ऑप्शन है पोषण ट्रैकर ऐप से हटा दिए गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में ये जो 4 मॉड्यूल हट गए हैं उसको फिर से वापस कैसे लाएं। तो बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों को प्रॉब्लम हो रही है कि पोषण ट्रैकर ऐप में चाहे वो VHSND हो या कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हो, उसका डेट नहीं चढ़ा पा रही हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं किस प्रकार से ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करके वो 4 मॉड्यूल दिखा देते हैं जो कि 4 मॉड्यूल वहाँ से हटा दिए गए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे देखिए पहले क्या बोल रहा है, जैसे कि सुबह में जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो प्लीज़ सेलेक्ट AWC स्टेटस टू कंटिन्यू फर्दर एक्टिविटीज़। यानी कि जब आप लोग सुबह में 7 बजे के बाद पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से मैसेज देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ओके वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि AWS स्टेटस में आप लोगों को आज आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है कि नहीं खोलना है। अगर आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र को आज खोलते हैं तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको क्लिक करके इसको सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद देख सकते हैं AWS स्टेटस यहाँ पे सेव हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे हम आपको फिर से मोर वाले पे क्लिक करके और इवेंट्स वाले ऑप्शन में चल के दिखा देते हैं कि यहाँ पे कोई भी अभी जो इवेंट है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद देखिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो पोषण ट्रैकर ऐप है यहाँ पे इसको आप लोग 2 या 3 सेकंड के लिए दबा के रखिएगा। इसको इस प्रकार से दबाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों के मोबाइल में फंक्शन अलग अलग होता है तो उनके मोबाइल में कुछ अलग प्रकार के दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन दिखा रहा है ऐप इन्फॉर्मेशन, तो आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ये जो पोषण ट्रैकर ऐप की जो 4 मॉड्यूल हट गई है वो वापस आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पे हम आपको करके दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है स्टोरेज वाले पे। स्टोरेज वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी स्टोरेज है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लियर स्टोरेज वाले पे क्लिक कर लेते हैं। क्लियर स्टोरेज वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज खुल के आएगा, डिलीट ऐप डाटा। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपका जो डाटा है सिर्फ वही डिलीट होगा, जो भी आप लोग पोषण ट्रैकर में रजिस्ट्रेशन किए हैं वो कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं होगा, सिर्फ इसमें से डाटा डिलीट होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमको फिर से क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद अब हम लोग फिर से पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करेंगे तो ऐसा पॉपअप खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एरो वाले पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और MPIN डाल के फिर से लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन करके आपको आगे दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर ऐप ओपन हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में कि जो फंक्शन हट गया था वो फंक्शन आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे हम इवेंट्स वाले पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे इवेंट वाले पे क्लिक किया तो 4 मॉड्यूल जो वापस आने चाहिए तो वो मॉड्यूल वापस नहीं आ पाए हैं। इसका जो स्टोरेज है वो भी हमने क्लियर कर दिया, फिर भी यहाँ पे ये 4 मॉड्यूल वापस नहीं आ पाए हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे ट्राई कर लिया लेकिन यहाँ पे कोई भी इसका फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हर मोबाइल का फंक्शन अलग होता है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाद बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा और आप लोगों को अभी क्या करना है, अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो अभी आप लोगों को फिलहाल के लिए वेट कर लेना है। जब नेक्स्ट अपडेट आएगा तब ये सभी आंगनबाड़ी बहनों के पोषण ट्रैकर ऐप से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। और अगर पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।